Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Hello friends, स्वागत है आप सभी का offline form official YouTube channel के एक नए video में। आज की video में बात करने वाले हैं आप सभी के लिए Indian Army की तरफ से एक और भर्ती का नया notification जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली यह इस साल की सबसे बड़ी ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है। ये आपकी परमानेंट नौकरी रहने वाली है, इसमें कोई भी टीओडी का जो नियम है वो लागू नहीं रहने वाला है। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, तो इस वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। आपका जो फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर देगा फ्रेंड्स, इसके वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कम्प्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इस वैकेंसी के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए, आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। यदि बात करेंगे फ्रेंड्स इसके एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ को लेकर, देखिए फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहने वाला है जहां पर आपको प्रत्येक ऑफलाइन भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ तथा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिंक को पिन कर दिया गया है तथा जितने भी आपके ऑफलाइन फॉर्म के एडमिट कार्ड आते हैं आपको एडमिट कार्ड के फोटो आपके ऊपर विद प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। तथा आपने भी इससे पहले कोई ऑफलाइन फॉर्म फिलअप किया हुआ था तो आपके 50 से अधिक भर्तियों के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन जरूर कर लेना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके लिंक को पिन कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बट उससे पहले आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देगा। आप चलिए फ्रेंड्स इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 25/6/2022 यानी 25 जून 2022 से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आपके जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है 15/7/2022, आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहने वाली है। फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आने वाला है उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी पब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे आपकी एप्लीकेशन फी को लेकर, तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप सभी की यहाँ पर एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। आप सभी को यहाँ पर निःशुल्क आवेदन करना होगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आपकी एज को लेकर कि आपकी एज यहाँ पर क्या रहने वाली है। देखिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो फ्रेंड्स इसके लिए आपकी जो एज रहने वाली है 18 से 27 साल के बीच आपकी एज रहने वाली। यदि आप अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अदर किसी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके 18 से 25 साल के बीच आपकी आयु सीमा रहने वाली है। यहाँ पर याद रखना, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको तीन साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर, तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी इन्वाइट की गई 450 से भी अधिक पदों के लिए आपके यहाँ पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपकी एएससी सेंटर की तरफ से, आप सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे एएससी सेंटर साउथ की आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, उसके बाद बात करेंगे कि आपकी नॉर्थ की कितनी वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपके लिए जो एएससी सेंटर साउथ से आपके यहाँ पर 249 पद के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपके यहाँ पर कुक की, तो आपके यहाँ पर कुक की 16 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसियों को देखते हुए चलना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की आपके यहाँ पर 33 वैकेंसी रहने वाली, एमटीएस चौकीदार की यहाँ पर बड़ी भर्ती रहने वाली है, आपके यहाँ पर 128 नंबर ऑफ वैकेंसी फ्रेंड्स रहने वाली है।
इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी टीन स्मिथ की यहाँ पर एक वैकेंसी रहने वाली है, ईबीआर की आपके यहाँ पर दो वैकेंसी है, बार्बर की आपके यहाँ पर पांच वैकेंसी रहने वाली है, आपका जो कैंप गार्ड होता है कैंप गार्ड की आपकी 19 वैकेंसी रहने वाली, एमटीएस मेल और गार्डनर की आपकी एक वैकेंसी रहने वाली, आपके यहाँ पर एमटीएस मैसेंजर और आपकी रेनो ऑपरेटर की यहाँ पर चार वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी रहने वाली है। फ्रेंड्स आप बात करेंगे आपकी एएससी सेंटर नॉर्थ की वैकेंसी को लेकर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपकी वैकेंसी रहने वाली है आपके यहाँ पर स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी रहने वाली है जिसकी आपकी एक यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, आपके यहाँ पर फायरमैन की वैकेंसी जिसकी आपके यहाँ पर 59 यानी आपके 59 यहाँ पर पद रहने वाले हैं, आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर की आपके यहाँ पर 13 पद रहने वाले हैं, फायर फिटर के आपके यहाँ पर 3 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड जो आपके पर सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है वो सिविलियन मोटर ड्राइवर की आपकी 153 वैकेंसी रहने वाली है, क्लीनर की आपके यहाँ पर 20 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एएससी सेंटर साउथ की यहाँ पर एमटीएस की भी आपको बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर जारी किया गया था। फ्रेंड्स अब जान लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए दिया अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर टीन स्मिथ की पोस्ट के लिए तो आपकी एक नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली यदि आपने 10वीं पास कर ली है, प्लस आपको टीन स्मिथ ट्रेड से आपको कार्य का एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है आपकी ईबीआर की आपकी दो यहाँ पर पोस्ट रहने वाली यदि आपने 10वीं पास कर ली है, प्लस आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कैनवास या लेदर रिपेयर का आपको एक्सपीरियंस है या आपको आना ले जाने के आपको योग्य हो तो तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कार्य का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे आपकी बार्बर की वैकेंसी को लेकर है तो फ्रेंड्स आपकी बार्बर के यहाँ पर 5 पद आपके इन्वाइट किए गए, आपने 10वीं पास कर ली है, प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स आप कैंप गार्ड की आपकी 19 वैकेंसी रहने वाले 10वीं पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, आपको यहां पर किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं रहने वाली, आपको एमटीएस मेल एंड गार्डनर की आप यहां पर एक पोस्ट रहने वाली, यदि आप 10वीं पास आपने कर ली है तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपके यहाँ पर एमटीएस मैसेंजर रेनो ऑपरेटर के यहाँ पर आपकी 4 पोस्ट रहने वाली हैं, यदि आपने 10वीं पास कर लिए प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एमटीएस चौकीदार की आपकी 128 नंबर ऑफ वैकेंसी है, यदि आपने 10वीं पास कर लिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी इन्वाइट की गई यहाँ पर स्टेशन आपकी ऑफिसर की वैकेंसी है, आपकी एक नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली, यदि आपने 12वीं पास कर लिए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कॉलेज कोर्स की आवश्यकता रहने वाली, आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली से आपके पास यहाँ पर कोर्स रहना चाहिए तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर फायरमैन की पोस्ट के लिए तो फायरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी 59 नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है, यदि आपने 10वीं पास कर लिया तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी फायर इंजन ड्राइवर की आपकी 13 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बट इस वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता रहने वाली है, आपको 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फायर फिटर की आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है, यदि आपने 10वीं पास कर लिए तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपकी सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की जो आपकी 33 वैकेंसी रहने वाली है, यदि आपने 10वीं पास कर लिए प्लस आपने डिप्लोमा पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से किसी भी आपने इंस्टीट्यूट से तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। फ्रेंड्स आपको क्लीनर की आपके यहाँ पर 20 वैकेंसी रहने वाली है, यदि आपने 10वीं पास कर लिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कुक की यहाँ पर 16 वैकेंसी रहने वाली, ओनली 10वीं पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की 153 वैकेंसी रहने वाली, यदि आपने 10वीं पास कर ली है प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी जो आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको वैकेंसियों को लेकर भी यहां पर बता दिया गया है कि आपकी किस किस डिस्ट्रिक्ट से किस किस स्टेट से यहां पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके यहां पर कहां पर
जॉब की लोकेशन रहने वाली है। फ्रेंड्स, बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट को लेकर कि आपके पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप 10वीं पास कैंडिडेट हो तो आपको 10वीं की यहाँ पर मार्कशीट की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप 12वीं पास कैंडिडेट हो तो आपको 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पर 10th की मार्कशीट का उपयोग कर सकते हो। आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहने वाली ओबीसी और एससी और एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहने वाली है। जनरल कैंडिडेट को कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहने वाली है। सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एएससी सेंटर साउथ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। यदि आप नॉर्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंडिंग एड्रेस रहने वाला है। जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना होगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड करना होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, आपको जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, जनरल जो आपकी इंग्लिश होती है उसके आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के आपको यहां पर मिलने वाले हैं।